हम फोर्स और मूविंग चार्ज की बात कर चुके हैं कि अगर एक चार्ज मैग्नीट्यूड में मूव करता है उसे फोर्स लगता है। अभी हम एक नए सब टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सब टॉपिक है ये, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म दोनों में फर्क, दोनों ही में ही फोर्स रहेगा। अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसे फोर्स लगता है, चाहे वो यूनिफॉर्म में रखे चाहे नॉन यूनिफॉर्म में रखे। पर पहले हम यूनिफॉर्म पढ़ देते हैं, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म की तरफ चलेंगे। तो आप ये अपने आप में नया टॉपिक है। जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत में सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ऐसा पढ़ना शुरू किया था, वो अपने आप में नया सब टॉपिक, एक सब टॉपिक था। फिर हमने पढ़ा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, वो एक नया सब टॉपिक था। उसी के साथ में एक और सब टॉपिक है दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अगर आप स्टार्टिंग में याद, चैप्टर स्टार्टिंग मैंने बताया था हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, तो दूसरे हिस्से का सब टॉपिक है। दूसरे हिस्से में दोनों बताया था, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो आप चाहें तो मतलब चाहे कि ऐसा कीजिए, आप अब एक नए पेज पे आप आइए और नए पेज से इस टॉपिक की शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये नए टॉपिक की तरह आप इसको कर लीजिए इसको, और ये टॉपिक अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक में ये बोल रहा है वैसा मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पूछा क्यों मतलब, अरे भाई साहब फोर्स क्यों लग रहा है ये तो बताओ, लग क्यों रहा है, पहले कारण तो समझाओ भी, लग क्यों रहा है, कितना लग रहा है वो सब देख लेंगे बाद में, पहले लग क्यों रहा है ये तो मैं जानू। तो हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका रीजन क्या है। आप बता सकते हैं, सोच के सोचिए थोड़ा। मास्टर बोल रहा है एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पर फोर्स लगता है, और आपको सोचना है क्यों। आपको इसका जवाब वहां से मिल जाएगा अगर आप ये समझ सकते हैं कि मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगता। तो आप क्या बोलेंगे, रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। इसी वजह से अगर चार्ज एट रेस्ट है तो उस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, पर चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अगर आप यही बात यहाँ पे देखें कि अगर हम ये वाली चीज पे चर्चा करें कि अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा कर रहे हैं तो उस पर फोर्स क्यों लग रहा है, उसका रीजन ये है बच्चों कि देखिए, अगर आपके पास में एक करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, एक करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करती नहीं है। तो जब उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगा तो दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हम इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं भाई साहब, ऐसा क्यों होता है कि एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फोर्स लगता है, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, करंट कैरिंग वायर produces magnetic field in its surrounding, सही बात है। It does not produce, current carrying wire does not produce electric field इन इट्स सराउंडिंग। ये बात ध्यान रखना, क्या ऐसा होता है कि करंट कैरिंग वायर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता, नहीं होता, उसके अंदर हो सकता है, करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर सराउंडिंग में नहीं होता। तो करंट कैरिंग वायर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स वाई इन दोनों बातों के बीच, दैट्स वाई करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स बट डज नॉट एक्सपीरियंस कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात समझ में आ रही है। अगर आपने ऐसे करंट कैरिंग वायर को, ऐसे यहां पे करंट कैरिंग वायर है, इसका अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स लगेगा। करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो फोर्स लगेगा। पर अगर आप यही बात यहां पे करेंगे, सर जी अगर मैं करंट कैरिंग वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कितना है आपके पास, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता करंट कैरिंग वायर पे, क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और जो आपके पास में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, दीज आर द फील्ड फोर्सेस, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगा और आपको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इस वजह से यहाँ पे इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत।
तो सबसे पहले कहानी को छाप लीजिए, अपनी भाषा में थोड़ा लिख लीजिएगा, फिर अपने इसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे, भाई साहब फोर्स कितना लगना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसको थोड़ा देखेंगे। हमें यह समझ में आ गया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स आएगा। अब आइए उसकी वैल्यू की बात करते हैं कि कितना फोर्स आएगा आपके, उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है आपके पास, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, क्लियर। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है आपके पास, कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज करंट कैरिंग वायर, क्लियर। अब आपने क्या किया, आपने बोला क्यों ना एक छोटे से एलिमेंट पे चर्चा करते हैं, छोटे से एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने ये वाला छोटा सा एलिमेंट देख लिया, हमने ये वाला छोटा सा एलिमेंट देख लिया, अभी हम इस पे फोर्स निकालें कितना फोर्स लग रहा है। तो मैंने मान लिया इसकी जो लेंथ है आपके पास में वो डीएल है, हम पूरी वायर के ऊपर नहीं देख रहे, हम छोटे से एलिमेंट के ऊपर देख रहे हैं। कैसे करें सर इसको, तो यार ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो डीएल है, इससे करंट जा रहा है, मतलब कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। हमें जो फोर्स पता है वो फोर्स किस पे पता है आपको, एक मूविंग चार्ज पे पता है फोर्स। फोर्स किससे पता है आपको, मूविंग चार्ज पे फोर्स पता है, पता है ना कि सर अगर कोई चार्ज मूव करता है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये हम जानते हैं। तो करंट कैरिंग वायर में भी तो यही हो रहा है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों करती है, उसका भी रीजन यही है, बिकॉज एक मूविंग चार्ज, सुनना बच्चों मेरी सही ढंग से बात पे, क्या बोल रहा हूं, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करती है, तो उसका बेसिक रीजन ये है, उसमें चार्ज मूव करते हैं। अगर और पता है मूविंग चार्ज दोनों फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सर जी जो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स किस पे लग रहा है, एक्चुअली मूविंग चार्जेस पे लग रहा है, और मूविंग चार्जेस के अंदर है, इस वजह से वो फोर्स किसके ऊपर आ जाता है, वायर के ऊपर आ जाता है, मेरी बात समझ में आ गई। मान लीजिए अपने सब लोग एक पाइप में चल रहे हैं, एक पाइप है, एक पाइप के अंदर चल रहे हैं, मान लीजिए आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो आपका फोर्स किसके ऊपर चला जाएगा, पाइप के ऊपर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली पाइप अपलिफ्ट हो जाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है। मान लीजिए हम सब एक पाइप के अंदर है और हमारे सबके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जबरदस्त फोर्स लग रहा है, तो हम किस पे फोर्स है, पाइप पे लगाएंगे तो पाइप ऊपर उठ जाएगी। सेम कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है उस पर फोर्स लग रहा है, और उसकी वजह से फोर्स किस पे दिखाई दे रहा है, हमें वायर पे दिखाई दे रहा है, डन, ठीक है। अब देखिए हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि हर एक जो चार्ज है आपके पास में, हर एक जो पार्टिकल है जो जो चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर वो किस स्पीड से मूव करता है वो मानते हैं, वीडी स्पीड से मूव करता है वो मानते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक एक प्रोटॉन मूव कर रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक्चुअली क्या मूव करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रोक के प्रोटोन को मूव करवा दें तो करंट तो सेम ही रहेगा। अगर मैं बोलूं पांच इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी बजाय मैं बोलूं नहीं पांच प्रोटोन निकल रहे हैं, पांच मैं बोलूं पांच इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आएगा, सही। आप इसकी बजाय उल्टा बोलिए पांच प्रोटॉन इधर जा रहे हैं तब भी तो सेम बात है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटॉन को मूव करता हुआ मान लेते हैं, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कई बेनिफिट मिलेंगे यार। अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करता हुआ मानेंगे ना, फिर हमें फोर्स की डायरेक्शन जो हम थंब से देखेंगे उसका उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है जो वो थंब से जो डायरेक्शन आती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन ली जाती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करता हुआ मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, उस पर मैग्नेटिक फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं, मान नेगेटिव माइन सेम आएगा, मैं दिखाऊंगा करके, मानिए सुनिए। हमने मान लिया कि यहाँ पे भाई साहब कोई एक चार्ज मूव कर रहा है, प्रोटोन मूव कर रहे हैं, प्रोटोन किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, किस स्पीड से, वीडी स्पीड से। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हमने किसको मूव करता हुआ माना है, प्रोटोन को मूव करता हुआ माना है। We assumed protons are moving in direction of current. We assumed protons are moving in direction of current. मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो अगर आप बात करेंगे फोर्स ऑन प्रोटोन, फोर्स कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए प्रोटोन, एक प्रोटोन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है आपके पास, तो वो देख सकते हैं, हाँ वो देख सकते हैं, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की जगह कितना, क्यू की जगह ई, वी की जगह कितना वी डी, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बी कर दिया हमने, हमने जनरल मान लिया, हमने एंगल वेंगल अभी नहीं पुट किया, जनरल मान लिया, एक प्रोटोन के ऊपर बात कर ली, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए प्रोटोन, क्लियर। अब अगर हम ये देखें हम क्या निकाल जाते हैं, हम निकाल जाते हैं फोर्स ऑन डीएल लेंथ, हम क्या निकाल जाते हैं, फोर्स ऑन डीएल लेंथ। तो आप फोर्स ऑन डीएल लेंथ कैसे निकालेंगे, आप ये पूछेंगे सर इस छोटी सी लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर मान लीजिए इतनी लेंथ में कुछ 50 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और अगर इतनी लेंथ में कुछ 100 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा।
बिकॉज इतने से रीजन से आप देखना चाहते हो तो आप ये देखिए ना, इतने से रीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर हम सब लोग एक पाइप में जा रहे हैं तो अगर 10 मीटर लंबी पाइप है उस पर अगर आप फोर्स देना चाहते हो, आप ये देखिए ना 10 मीटर के अंदर कितने आदमी है। अगर एक आदमी पर 10 न्यूटन लगा, 10 आदमी पे कितने लग जाएगा, 100 न्यूटन। तो जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं उस लेंथ में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिन पे फोर्स लग रहा है, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन डीएल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो मुझे। यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके अंदर, इन डीएल लेंथ मल्टीप्लाई ई वी डी क्रॉस बी वेक्टर। आई होप आपको इसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इजीली निकाला जा सकता है। बिकॉज आप याद कीजिए, करंट के अंदर एक टर्म होता है स्मॉल एन, स्मॉल एन का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा प्रोटॉन लेके चल रहे, तो एक ही बात, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर, हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना कंसीडर करें, प्रोटॉन्स का मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं फोर्स को देखने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ जाते हो माने, उतने आगे प्रोटॉन मानने पड़ेंगे। तो आप क्या बोलेंगे इसको, आप ये बोलेंगे सर जो आपके पास में ये जो डीएफ फोर्स है इसको क्या लिखा जा सकता है। हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन डीएल लेंथ, तो यार मैंने बोला इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम हो गया एडीएल, वॉल्यूम कितना हो गया एडीएल। ए क्या है इसका, ए इज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सीएसए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ गई बच्चों, ADL is cross section, A is cross section area। तो मैंने इसका volume निकाल लिया, छोटी सी वायर का volume क्या, that is A multiply DL, इतना volume है, ठीक है जी, इतना volume है, multiply N कर देता हूं। क्यों? क्योंकि एक मतलब N क्या, that is number of free electrons per unit volume होता है, तो अगर एक unit volume में N है तो ADL में इतने होंगे, और इतने ये समझ में आ गए, इतने number of electrons है आपके पास, इसमें क्या multiply कर दो, E VD cross B। अरे चमक रहा है क्या, ये वाला जो टर्म निकल के आई, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन डीएल लेंथ। क्लियर, यहां से जो एक्सप्रेशन है डीएफ का वो देखिए कितना खूबसूरत बनेगा, कैसे करेंगे, ये बन गया एन ई ए और वी डी, एन ई ए और वी डी, क्या होता है एन ई ए वी डी, आई होता है, क्या आई को अंदर लेके चले जाए, क्या ऐसे ऐसे लिख दूंगा एक्सप्रेशन कि आपके उसमें डीएल आई क्रॉस बी, देखिए एन ई ए वी डी, इन चारों टर्म्स को मिला के हम क्या लिख दूंगा, मैं आई लिख दूंगा, इसको 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 और इसको, इन चारों मिला के आई लिख दूंगा। तो क्या आई को अंदर भेज दूं क्या, हाँ सर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डीएल क्रॉस, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, डीएल आई क्रॉस बी। अरे सर जी रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया, अभी गलत है सर, कैसे गलत है, सही तो है, साफ सुंदर बढ़िया काले अक्षरों में लिखा हुआ, क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत ये है कि आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अरे यार आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो वीडी, हाँ वीडी थी, डिफ्रेंसिटी है। अच्छा हम बात करते भाई जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो तो एक वेलोसिटी हमने मान के चला, तो वो तो एक डायरेक्शन है, हमने दिखाया भी इस तरफ मूव कर रहा है। अब क्या करें, अब एक काम करो यार, आई को बाहर निकाल दो और डीएल को अंदर भेज दो, आई को बाहर निकालो डीएल को अंदर भेज, और डीएल को बोलो भाई साहब एक्चुअली वीडी के हिसाब से चलना है, आई को क्या बोलो किसके हिसाब चलना है, वीडी के हिसाब से चलना है। तो ये जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में कंसीडर कर लेंगे, आई की डायरेक्शन में कंसीडर कर लेंगे। इसलिए इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाता है, एफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, एफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट, एक करंट कैरिंग एलिमेंट पे जो फोर्स है दैट इज डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। मेरी बात समझ में आ गई, इस एक्सप्रेशन को अब हम फर्दर यूज करेंगे फोर्सेस को निकालने के लिए। अब इस वाले एक्सप्रेशन में समझ में आएगा डेरिवेशन, एक बार खुद से करके देख लीजिएगा। तो डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन ये क्या है, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ करंट फोर्स आपके पास में अगेन कैसी डायरेक्शन, मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा डीएल क्रॉस आर से। तो मैं आपको वो तरीके सारे सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्शन वेक्टर के तरीके। पहले आप ये एक्सप्रेशन सीख लीजिए निकालना, कितना है एफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी।
पर सर आपने हमारे साथ चीटिंग कर दी। मैंने क्या चीटिंग करी सर, हम चीटिंग करी। अरे मैं क्या करी बताओ सर, सर आपने प्रोटॉन्स को मूव करते हुए मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स को मानना चाहिए था, बट हम मान लिया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते, सेम रिजल्ट आएगा। फ्रैक्चर क्या ना, उल्ट बिना मतलब के उलझ जाएंगे चीजों में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरफ मूव करेगा, फोर्स इधर लग रहा होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन पिक करनी, डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, और सब चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। तो अगर आप उसके हिसाब से करते, अगर आप उसके हिसाब से करते, तो फिर आपके कई कई चीजें इसमें उलझ जाती है आपके पास में। मैं आपको जैसे बिल्कुल बेसिक से मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा करके, आप बेसिक रिजल्ट निकालना, यहां से निकालना, दोनों चीजें मैच करेंगे, मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा। पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पीछे मूव करता हुआ मान रहे हैं, तो आप प्रोटोन इधर ही मान सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, प्रोटोन को मूव मान रहे, बिकॉज करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, पर उससे चीजें आपकी आसान हो जाएगी देखने वाली। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। हमने भी देख लिया कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, दैट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये डी एल लेंथ के एलिमेंट के ऊपर है। डन। हमने यहाँ पे एक और चीज सीखा, एक्चुअली करंट अंदर जा रहा था, पर करंट को अंदर लेके जा नहीं सकते बिकॉज करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हमने क्या बोला, डी एल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, डी एल वेक्टर विल बी इन डायरेक्शन ऑफ I, करंट की डायरेक्शन में होगा आपके पास। ठीक है, अब भाई थोड़ा डायरेक्शन के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कुछ I। अभी हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट कैरिंग वायर पे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बच्चों, अंदर की तरफ है। तो आप देखिए कैसे, आपसे पूछो बताओ फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, तो आप करके बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। एक्चुअली बेसिक पे जाइए, बेसिक क्या था, बेसिक ये था सर इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज अगर मूव कर रहा है आपके पास उस पर फोर्स लग रहा है। हमने क्या माना, हमने ये माना सर सब प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने क्या माना बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं पीडी स्पीड से। तो जिस डायरेक्शन में इस प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा होगा, उसी डायरेक्शन में इस वायर पे लग रहा होगा। सबसे पहले हमने कैसे एज्यूम किया, मतलब बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग प्रोटॉन ऐसे कर सकता हूं। तो प्रोटॉन किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किस स्पीड से, बीडी स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। फोर्स हम निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे मूव करता है, फोर्स कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद देते हैं अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, जिस तरफ चार्ज मूव कर उस तरफ उंगलियां करी, तब इस तरफ, तो मतलब फोर्स किस तरफ आ रहा है आपके पास, इस तरफ आ रहा है। अब आप लोग बोले सर ये चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए, कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लेके देख, मैं दिखाता हूँ। देखो किसी कंसेप्ट से करूं, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब तो क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में नहीं मूव करते, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, बीडी स्पीड से मूव कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है आपके पास, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, सही। तो अगर आप इसे फोर्स देखेंगे तो फोर्स कैसा आएगा आपके पास, तो आप बोलेंगे सर जी बी को आशीर्वाद दो, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, ये लो। अब फिंगर्स किसकी तरफ, वेलोसिटी की तरफ, फिंगर्स घुमाए, फिंगर्स घुमाए, फिंगर घुमाए, ऐसे घूमगी। थंब किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। और अगर थंब इस तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स इस तरफ दिखाई दे रहा है, फोर्स किस तरफ दिखाई दे रहा है बच्चों, इस तरफ दिखाई दे रहा है, फोर्स इस तरफ दिखाई दे रहा है, पर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो थंब की डायरेक्शन है उसको क्या लेना है, जस्ट अपोजिट लेना है। तो फोर्स वापस किस तरफ आ रहा है आपके पास, इस तरफ आ रहा है। पर इस वजह से तुम्हें क्या क्या उल्टा करना पड़ा, सबसे पहले डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ा, करंट की डायरेक्शन से उल्टा मूव करवाना है, करंट के डायरेक्शन से उल्टा मूव करा, नीचे की तरफ मूव करा दिया बीडी स्पीड से, सही है ये बात, करंट डायरेक्शन से उल्टा मूव करवाया। फिर आपने उसको थंब को, मतलब फिर तो थंब से जो डायरेक्शन आई फिर उसको उल्टा किया, दो बार चेंज करना पड़ रहा है ना, पहले करंट को देख के वीडी को उल्टा करो बिकॉज इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, फिर जो थंब से जो डायरेक्शन है उसका उल्टा करो, इसमें दिक्कत होता है, इस वजह से हम ऐसे कर देते हैं। तो आप इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, आप प्रोटॉन्स को मत देखो, आप सीधा करंट कैरिंग वायर से देख लो, आप कौन से मेथड से कर लो, बिकॉज आप पता है अभी जिस तरफ करंट कैरिंग वायर है उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो आप मैं सीधा एक और तरीका बताता हूं, इसी से निकाल के अगेन हम आशीर्वाद मेथड पे चलते हैं। हम आशीर्वाद किसको देंगे, हम फोर्स निकालना सीख रहे हैं किस पे, हम फोर्स निकालना सीख रहे हैं आपके करंट कैरिंग वायर पे। तो हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, जो मेथड हम पहले फॉलो करे थे उसी को लेकर चल रहे हैं, दैट इज आशीर्वाद मेथड। तो मास्टर क्या बोल रहे हैं, आशीर्वाद किसको, तो मैग्नेटिक फील्ड को, जो पहले करते आ रहे थे, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। फिंगर्स किसकी तरफ करो, फिंगर्स किसकी तरफ करो, फिंगर्स करो करंट कैरिंग वायर की तरफ, करंट कैरिंग वायर। और जो भाई साहब थंब होगा, थंब वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन देगा,
समझ में आ गई ये बात? ये तो हम पहले कर रहे थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो बस फिंगर थी, इससे पहले जो फिंगर्स कर रहे थे हम, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कर रहे थे, अब की बार वो नहीं है भाई साहब। फिंगर किसकी तरफ करनी है? करंट कैरिंग वायर की तरफ। क्लियर? तो आशीर्वाद मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर करंट कैरिंग वायर की तरफ, और अंगूठा जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन आपको देगा। पर इसमें खतरा भाई साहब, हैंड कौन सा यूज करना है? राइट हैंड, यूज ओनली राइट हैंड, यूज ओनली राइट हैंड। वो गलती नहीं सर, मैं तो राइट हैंड से लिखता था, मैं उससे लिख रहा था, लेफ्ट हैंड से कर दिया, गलत तो गलत, फिर तो नलायक है। मेरी बात समझ में आ रही? कौन सा हैंड यूज करना है आपको? राइट हैंड यूज करना है। तो अगर आप ये चीज, मतलब ऐसा नहीं है सर ये कुछ, मतलब बहुत हवाई कुछ कर दिया क्या भाई, ये भी यहीं से निकाला यार, पर इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रोटोन मूव कर रहा है, वीडी कौन सा सोचा, फटाफट हाथों हाथ काम हो जाए हमारा, इसलिए हमने ऐसे इसको एक स्टेप आगे ड्राइव कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बता पाएंगे फोर्स की डायरेक्शन? आइए थोड़ा बता के बताइए। तो यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये हम कर चुके हैं केस, ये रहा आपके पास। फटाफट मुझे बता इस वाले केस में फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस वाले केस में? फिर तू मुझे ऐसे बता मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है आपके पास, क्लियर? दिस इज करंट कैरिंग वायर, इस वाले केस में बता फोर्स किस तरफ लग रहा है। पहले छाप ले, फिर मुझे करके बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले छाप ले। बोले हमें छाप लिया इसको, मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं ना। हाँ बताइए, इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा है इस वाले केस में? तो क्या बोलेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, उंगलियां किसकी तरफ? करंट की तरफ, फिंगर्स को टर्न किया करंट की तरफ, थंब किस तरफ आ रहा है? इस तरफ, मतलब फोर्स इस तरफ आ रहा है। डन। इस वाले केस में देख, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दे, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद ऊपर की तरफ देना, ऊपर की तरफ आशीर्वाद कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा आशीर्वाद, निकल रहा है ऊपर की तरफ। करंट की तरफ फिंगर्स पहले से है, मान ले ऐसे आशीर्वाद देता तो घुमाना पड़ता। थंब किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स किस तरफ रहेगा? क्लियर? अच्छा और थोड़ा देखते हैं इसके अंदर, जो तेरा मन करे वो बना ले, खेल है, जहां पे तेरा मन करे मैग्नेटिक फील्ड वहां बना ले, जहां पे करंट कैरिंग वायर का मन करे वहां बना ले, आ जाएगा रिजल्ट तेरे पास। अगर मान ले हम ऐसे बोले, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे है, बता देगा किस तरफ आएगा फोर्स? इस वाले कैसे बता पाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की तरफ फिंगर्स करना है, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, घूम गया। थंब किस तरफ? इस तरफ, मतलब फोर्स किस तरफ आएगा आपके पास? इस तरफ आएगा। और प्रैक्टिस करना है, और कुछ देखें, ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ठीक, और करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ है, करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ है, बता फोर्स किस तरफ आएगा? बता देगा फोर्स? फोर्स किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? बी को आशीर्वाद दिया इस तरफ, करंट अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कुछ सवाल थे जिससे आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई आपको कि एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज आई डी आर क्रॉस बी, डायरेक्शन आपको देखना सिखा दिया। अब आइए इसी पे थोड़ी और चर्चा करते हैं और इसको और सीखते हैं। सवाल में क्या है ना, आपके पास में ऐसी वायर है, इसको छोटा टी टीट रखा गया ना, और ये वाला एंगल अगर आपको रिक्वायर्ड है, ये एंगल हम दे देते हैं, इस एंगल का नाम है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ इतने से रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड आउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है आपके पास, इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकाल के बताना है। बता सकते हैं? डायरेक्शन ही बताइएगा ना, फोर्स की डायरेक्शन कितना है और मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों आप निकाल के बताइए मुझे। ठीक है, आप प्रोसीड कीजिए सवाल को। हाँ भी हुआ। तो आप क्या बोलेंगे सर? डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन जो आपके पास में है फोर्स का, दैट इज एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। देखिए, आपके पास जो एंगल है एल और बी के बीच में, वो कितना है? एल का एंगल आई की डायरेक्शन में लेते हैं, बी का अंदर की तरफ है। जो थीटा आएगा आपके पास, थीटा इज 90 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल और बी।
अच्छा अब देखिए यहां पे अगर आप फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, आपने मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स की थंब किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो यहां पे जो फोर्स आ रहा है आपके पास में वो ऐसा आ रहा है, क्लियर। अच्छा अब अगर आप इस फोर्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो एफ इज इक्वल टू आई एल की जगह कितना है? ये वाली लेंथ आएगी, दिस लेंथ, तो यह लेंथ कितनी है आपके पास, ये डी है आपके पास, तो यह लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज डी बाय साइन थीटा, सही, डी बाय साइन थीटा, तो आप इसे देखेंगे आई एल की जगह आएगा डी बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बी, ये फोर्स आ जाएगा आई डी बी बाय साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, यह डिस्टेंस हमने देख ली, ये डिस्टेंस अगर डी थी तो ये डी बाय साइन थीटा हो जाएगा, तो आई डी बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बी आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई, क्लियर। अब आइए इसी सवाल को थोड़ा सा बदल लेते हैं, इस सवाल को केवल ऐसा कर लिया आपने, क्या कर दिया, यहां पे ऐसे करंट कैरिंग वायर है, सेम करंट कैरिंग वायर, ये वाला एंगल अगेन थीटा आपके पास, एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन डी, पर अब के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, अब की इससे पहले वाले में क्या था, इनटू द प्लेन था, अब की बार इसके इस बोर्ड के प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे यार बताइए इस वाले केस के अंदर अगेन वही सवाल, फाइंड आउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे बी की वैल्यू जीरो है, यहां पे बी की वैल्यू जीरो है, पहले आप इस सवाल को छाप लीजिएगा, फिर इसके बाद में आप इसको नोट कीजिए और फिर मुझे करके दिखाइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। हाँ भाई हुआ, तो ये थोड़ा देखते हैं इसको, इसमें और इसमें रिजल्ट थोड़ा बदल जाएगा, कैसे रिजल्ट बदल जाएगा देखिए, अब की बार अगर आप देखेंगे तो अब की बार जो आपके पास में F का एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस B, यहां पे आपके पास में जो DL और B के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, DL और B के बीच में एंगल कितना है आपके पास, थीटा एंगल है, देखो DL इस तरफ है B इस तरफ है, एंगल कितना, थीटा है, तो हम क्या क्या करें, हम ऐसे करते हैं कि या तो आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से चले जाओ, अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जाएंगे तो आप बोलेंगे सर आई और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में, इस वाली लेंथ का नाम दे देते हैं, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज डी बाय साइन थीटा आई डी बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एंगल इन दोनों के बीच साइन थीटा, ये साफ हो गया यहाँ पे, तो आ गया आई डी पी, ये तो मैथ से, दिस इज बाय मैथ, हमने जो फॉर्मूला था उसको सीधा यूज किया, अभी हम क्या थोड़ा फीलिंग से करते हैं, थोड़ा फील कर लेते हैं चीजों को, फील करने के बाद फिजिक्स की हिसाब से थोड़ा करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, इस लेंथ का कंपोनेंट ब्रेक कर दें, ये लेंथ थी ना आपके पास, इसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट आ गया आपके पास एल वन और एक ये वाला कंपोनेंट आ गया आपके पास एल टू, क्लियर। अगर आप देखिए हमने इस लेंथ के कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, करंट के कंपोनेंट नहीं ब्रेक कर सकते, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, हमने लेंथ के कंपोनेंट ब्रेक करे, एक ये वाला ऐसे कर सकते हैं लेंथ के कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात। तो अगर आप देखेंगे तो इस वाले पे फोर्स अगर आओ वो जीरो है, फोर्स ऑन दिस फोर्स ऑन एल वन कितना आएगा आपके पास जीरो, और अगर आप बात करेंगे फोर्स ऑन एल टू, फोर्स ऑन एल टू वो किस तरफ आएगा देख के बता सकता है, फोर्स ऑन एल टू किस तरफ आएगा, तो हमने क्या किया ऐसे करंट कैरिंग वायर बन गई L2 क्या आपके पास में D लेंथ की करंट कैरिंग वायर, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स विल एक्ट ऑन दिस, एक्ट ऑन दिस, और यहां इसकी जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री, अब आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज F इज इक्वल टू आई एल टू बी, एल टू की जगह कितना आ जाएगा D आ जाएगा, कितना आ जाएगा आई डी बी, क्लियर। और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इस पे लगा ही नहीं, इस पे देखा तो किस तरफ, अंदर की तरफ, तो इनटू द प्लेन आ जाएगा, या आप यहां से भी चेक कर सकते थे, यहां से अगर आप चेक करते तो क्या बोलेंगे, बी को आशीर्वाद दिया आपने, मतलब बी को आशीर्वाद दिया और इसकी डायरेक्शन में कर रहा था, अभी हो नहीं रहा है मतलब, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर नहीं है आपके पास में, तो आप क्या बोलेंगे सर आने जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आएगी, बिकॉज इसके जो कंपोनेंट टूटेंगे वो इसी प्लेन में टूटेंगे, तो जो फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। इसके लिए अगर आप देखना है तो चाहे बेसिस चले जाओ, डीएल इस तरफ बी इस तरफ, डीएल क्रॉस बी करा अंदर की तरफ, तो यहां से भी आप बोल सकते हैं अंदर की तरफ, पर हम ऐसे ना प्रोसीड करके इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, तो थोड़ी फील थोड़ी ज्यादा बेटर आती है, ठीक है। इसमें अगर एक और चीज आप देख रहे होंगे, इस पे जो फोर्स है, इस वाली वायर पे जो फोर्स है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर आप इसका मैं बोलूं, अगर इफ आई विल चेंज द थीटा, मतलब ये वायर काफी लेंथ वाली है, अगर आप इस थीटा को चेंज करेंगे तो फोर्स बदलेगा क्या, फोर्स नहीं बदलेगा। इफ वी विल चेंज थीटा इन दिस प्रॉब्लम, इफ
वी विल चेंज थीटा, देन ऑल्सो फोर्स विल रिमेन सेम. फोर्स नहीं बदलेगा आपके पास में, अगर आप थीटा को चेंज करते रहेंगे फोर्स नहीं बदलेगा. फोर्स क्या रहेगा आपके पास, सेम का सेम रहेगा. बात समझ में आ गई? तो ये ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है फोर्स की डायरेक्शन कैसे है. जब मैग्नीफाइड अंदर था तब अलग प्रोस्पेक्टिव था, पैदल हो गया तो अलग प्रोस्पेक्टिव है. ठीक है बच्चों, छाप लीजिए. देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर चुके हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है आपके पास और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फोर्स कितना आता है वो हम देख चुके हैं. पर यार हमेशा तो स्ट्रेट वायर नहीं होगी, ऐसा हो सकता है कभी सर्कुलर वायर हो, कभी कोई और शेप की वायर हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वायर हो सकती है. तो हम भाई हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी आर्बिट्री शेप की वायर को आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे. हेडिंग आप डाल दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्री करंट कैरिंग वायर कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है एक्स और वाई पॉइंट्स के बीच में, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ है. क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब समझ में आता है ना, हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, बी है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब हमें इस पे फोर्स निकालने के लिए बोला, इस पे आप फोर्स निकाल के बताइए. तो मैंने बोला यार मुझे पूरी वायर के लिए मुझे नहीं पता, मैंने बोला मुझे एक एलिमेंट की वजह से पता है, हमें छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी वजह से पता है. वो कितना होता है आपके पास में, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी. अगर आपके पास हर एक इंस्टेंट पे डीएल और बी में एंगल सेम है तब आप इसको एलबी भी लिख सकते हैं, एक्चुअली डीएल क्रॉस बी है. अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, आई एल क्रॉस बी लिख सकते हैं. कब लिख सकते हैं एल क्रॉस बी, वेन एंगल बिटवीन, वेन एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट. जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में हुआ था, इस वाले में उसे पहले वाले सवाल में कुछ नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया वैसा आई डीएल की जगह एल कर दिया था. क्यों? क्योंकि उसमें वायर ऐसी थी और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा था, ऐसा ही था आपके पास इससे पहले वाले केस में. तो अगर आप देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट जो डीएल और बी के बीच का एंगल है वो फिक्स है, दैट इज थीटा. तो अगर सेम होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते, पर सेम नहीं होगा तब आप ऐसे कर सकते नहीं है. ठीक है जी. अब इस वाले केस में अगर हम देखें, इस वाले केस में कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको, इस वाले केस में क्या क्या दिक्कत आ रही है? इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं डीएल और बी में जो एंगल है वो तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. डीएल और देखिए हर एक पॉइंट के ऊपर डीएल और बी के अंदर एंगल सेम है कि नहीं, हर एक पॉइंट पे सेम है सर. कैसे सेम है भाई, डीएल किस तरफ है, डीएल ये रहा, डीएल किस तरफ है. और करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास, करंट एक्स से वाई फ्लो करवा दिया हमने, तो डीएल कैसा ऐसा है आपके पास डीएल. यहाँ पे जो एंगल है डीएल और बी के बीच में वो एंगल कितना है, 90 डिग्री. हर एक पॉइंट पे डीएल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सर क्या दिक्कत है, फिर तो सीधा जोड़ दो, कहाँ उलझन है. दोस्त उलझन यहाँ पे है, जब ये वाला केस था तेरे पास ऐसे करके करंट कैरिंग वायर थी और इधर मैग्नेटिक फील्ड था, तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगा था हर एक एलिमेंट पे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में था. वो कौन सी डायरेक्शन थी, अंदर की तरफ थी. समझ में आ रही है ना, यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट अगर तू पकड़ता, कोई भी एलिमेंट पकड़े उस पर फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ इन टू द प्लेन, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे. तो हमने क्या बोला, इन दिस केस फोर्स ऑन ईच एलिमेंट वॉज इन सेम डायरेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन थी, इन टू द प्लेन. दैट्स वाई वी कैन एड ऑल फोर्सेस डायरेक्टली. इस वाले में दो चीजें थी, इस वाले केस के अंदर क्या, पहली बात तो ये था कि थीटा कांस्टेंट था, थीटा दैट इज एंगल बिटवीन, व्हेन एंगल बिटवीन थीटा इज दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था. और दूसरी बात क्या थी, फोर्स की डायरेक्शन हर एक एलिमेंट पे क्या थी, सेम थी. अब यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे अगर मैं दिक्कत की बात करूं सर, मेरे लिए क्या दिक्कत आ रहा है यहां पे, यहां पे बच्चों एंगल तो सेम है, एंगल बिटवीन कौन कौन सा, डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम एट एवरी पॉइंट. सही बात है नहीं बात, तो इस बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, तो मैंने यहाँ पे खुशी वाला चेहरा दिखा दिया आपको. वाह, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि भाई साहब हर एक पॉइंट पे डीएल और बी में एंगल है वो सेम है और वो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री. अभी दुख वाली बात क्या है, दुख वाली बात यह कि हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है तो ये डिफरेंट. कैसे डिफरेंट, अभी आप इस वाले एलिमेंट पर बात कीजिए, फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले एलिमेंट पे ऊपर लग रहा है, इस वाले एलिमेंट पे इधर लग रहा है, इस एलिमेंट पे इधर. समझ में आ रही है ना मेरी बात. तो दुखी वाली बात क्या है, फोर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच एलिमेंट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इज इन
डिफरेंट डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? ये भाई सब दुखी होने वाली बात है, ये तो बहुत दुखी होने वाली बात है। कैसे बहुत दुखी होने वाली बात है यार, इसको कैसे जोड़ूंगा भाई? यहाँ पे इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इधर इधर लग रहा है डीएफ वन, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कुछ फोर्स तो वो कुछ ऐसा लग रहा होगा आपके पास में डीएफ, यहाँ पे जो फोर्स देखूंगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा डीएफ, यहाँ पे जो फोर्स देखूंगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा डीएफ। भाई प्राण निकल जाए जोड़ जोड़ से, कैसे जोड़ू मैं इसको, मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई भाई साहब? इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि दोनों चीजें सही बैठ रही थी, एंगल भी हर एक पॉइंट मतलब हर एक डी और बी में एंगल भी सेम था, वो यहाँ पे भी सही है, पर यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो सेम थी, यहाँ पे नहीं है। तो भाई साहब दिक्कत हो गई, बहुत दुख हो गया। तो क्यों ना अब इसको थोड़ा सुलझाया जाए। अब कैसे सुलझाएंगे देखिए इसको, मैं आपको तरीका दिखाता हूं। आप एक काम कीजिए, आप डी एफ वन लिखिए, डी एफ वन, डी एफ वन क्या होगा, यहां पे छोटा सा एक एलिमेंट पकड़ देता हूं डी एल वन, डी एल वन पे ऊपर लगने वाला फोर्स, तो डी एफ वन कितना होगा आई डी, आई डी एल क्रॉस बी होता है ना, एल की जगह कितना डी एल वन मल्टीप्लाई बी, क्लियर। फिर मैं बोलू डी एफ टू, डी एफ टू कितना होगा, डी एफ टू इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा, डी एल वन कौन सा एलिमेंट है बच्चों, ये वाला एलिमेंट है, डी एल टू कौन सा एलिमेंट है, इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट, इसका नाम रख दिया आपने, इसका नाम कितना डी एल टू वेक्टर, पहले वाले का नाम डी एल वन, इसका नाम डी एल टू, समझ में आ रहा है, सीमेंट सीमेंट सबको जोड़ सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा आई डी एल टू क्रॉस बी, सिमिलरली ये चीज चलती रहेगी आपके पास। डी एफ एन अगर मैं पूछूंगा तो क्या लिखेंगे आई DLN क्रॉस B, अरे DLN क्या है सर, देख यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पकड़ा DL1, फिर उससे अगला DL2, फिर उससे अगला DL3, फिर उससे अगला DF4, समझ में आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट फोर्स देख रहा हूं, मैंने एलिमेंट वाइज एलिमेंट जोड़ दिया। अगर आप F नेट बोलूं मैं कि इस वायर पे जो नेट फोर्स है वो कितना है F नेट, तो आप क्या बोल रहे, समीशन ऑफ डी एफ एन, अरे सही है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी, जीरो से लेके एन की वैल्यू कुछ एन तक, मतलब ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा DLN। अगर आप इसको जोड़ के देखें तो ये एक्सप्रेशन क्या निकल कर रहा है, देखिए एफ नेट इज इक्वल टू आई डी एल वन क्रॉस बी प्लस आई डी एल टू क्रॉस बी डैश अप टू प्लस आई डी एल एन क्रॉस बी। इसमें क्या अच्छा है, इसमें से भाई साहब आप बी तो हर एक पॉइंट पे सेम है ना, बी एट एवरी पॉइंट इज सेम, बी इज सेम एट एवरी पॉइंट, यहां पे क्या लिख दिया हमने, बी इज यूनिफॉर्म, बी इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो अगर बी सेम है तो बी को बाहर निकाल लो, बी को बाहर निकाल तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू आई, यहां पे बन जाएगा आपके पास में डी एल वन प्लस डी एल टू प्लस डी एल थ्री अप टू प्लस डी एल एन क्रॉस बी। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ऐसे करेंगे तो वापस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। अरे सही, ठीक है। अब देखिए यार भाई साहब, अगर आप DL1 को, DL2 को, DL3 को, DL4 को, DL5 को ऐसे जोड़ते जाएंगे DLN तक, तो इसका जो सबमिशन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज, अगर आप सबको जोड़े तो ये बनेगा सबमिशन इसका, दिस वेक्टर विल बी, कैसे बनेगा, अगर पॉलीगन लो की आप बात है, पॉलीगन लो यही तो बोलता है सबको जोड़ते जाओ, लास्ट में एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। तो डीएल वन, डीएल टू, डीएल थ्री, इन सबको जोड़ेंगे तो भाई साहब जो आपके पास ये सबमिशन आ रहा है वो एक्स वाई वेक्टर आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपके पास, जो एफ नेट अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप एफ नेट को लिख सकते हैं, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू आई कौन सा वेक्टर, एक्स वाई क्रॉस बी, ये फोर्स आ गया आपके पास, क्लियर। तो आप देखिए कितना मतलब कितना इजी हो गया सवाल। अब आपको इस पूरे को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कभी आर्बिट्री शेप के ऊपर फोर्स की बात होगी, क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों, कभी आर्बिट्री शेप के ऊपर फोर्स की बात होगी तो घबराना नहीं है, आपको आर्बिट्री शेप को भूल जाना है, उसकी बजाय एक नई वायर मान लेनी है, एक स्ट्रेट वायर मान लेनी है, किस कैसे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमें कंक्लूजन है इस पूरी कहानी का, वो कंक्लूजन क्या है आपके पास, जिसको हम ज्ञान बोल सकते हैं, जो ज्ञान मिला हमें फाइनली, दैट इज कंक्लूजन, वो कंक्लूजन क्या है आपके पास, फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्रेरी शेप वायर kept in uniform magnetic field, we can join its endpoint and calculate
फोर्स ऑन दिस स्ट्रेट न्यू वायर। अगर आप कभी आर्बिट्री शेप की कोई भी वायर होगी उस पर फोर्स निकालना होगा, तो आप आर्बिट्री शेप के भूल जाइए, आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके नई वायर बना लीजिए। जैसे एक नई वायर बना ली एक्स वाई, अब इसमें करंट एक्स से वाई फ्लो करवा दो, इस पर फोर्स निकाल दो। मतलब इस आर्बिट्री शेप पैटर्न के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपको निकल के मिली है, बहुत ही अच्छी चीज। मतलब गणित सारा फेल, मतलब इतना सारा गणित था, वो गणित सब मतलब साफ हो गया, बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। कभी आर्बिट्री शेप की वायर हो, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके नई वायर बना लो। अब नई वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, वही इस आर्बिट्री शेप के ऊपर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पर इसमें खतरा है। क्या खतरा है सर जी? खतरा ये है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी ऐसा करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो आप ऐसा कर सकते नहीं है। तो यार ये बात मेंशन, यहां पे खतरा मेंशन कर लो। क्या? ओनली वैलिड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म सर। क्यों? देखिए अब तूने क्या किया, तूने बी को बाहर निकाला है, बी को बाहर निकाला है। बी को जब तक बी बाहर नहीं है तब तक ये सब जुड़ेगा नहीं, और अगर बी को बाहर निकाला है तो बी तब बाहर आएगा जब आप हर एक पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो अगर बी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होती, बी बाहर नहीं आता, ये सब प्रोसेस आप नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें खतरा एक ये खतरा है। क्या? ये तभी करना है, एंड पॉइंट को ज्वाइन तभी करना है जब आपके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। क्लियर है? छाप लीजिए। सवाल आपके सामने है, एक बार आप सवाल को थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है, फिर मैं बता देता हूं। सवाल में क्या है, बोर्ड के प्लेन के अंदर एक आपके पास में ऐसी एक शेप की वायर रखी हुई है ना, ये ऐसे करके, फिर ये सेमी सर्कल है, फिर ऐसे बाहर जा रहा है, करंट ऐसे हाई फ्लो कर रहा है बोर्ड के प्लेन में। ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, बाकी तरफ जेड एक्सिस हो जाएगा। इसमें बोला गया आपको दो चीजों में फोर्स निकालना है, एक जो सेमी सर्कल पी क्यू आर पे, इस पी क्यू आर पे, या एक क्वार्टर पी क्यू पे, इस पी क्यू पे। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना, दो चीजें आपको निकालनी है। आप मुझे बताइए कि डिफरेंट डिफरेंट केस में क्या होगा। पहले केस में अगर बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप है तो फोर्स बताइए, पी क्यू आर पे कितना है, पी क्यू पे कितना है। फिर आप बी नॉट जे कैप अगर है तो बताइए, बी नॉट के कैप है तो बताइए, और ये तीनों है तो बताइए। ये एक सवाल से यहाँ पे कई कंसेप्ट इस चीज में क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप करिए, थोड़ा टाइम टेकिंग है, मे बी आपको 5-6 मिनट्स लगे, मे बी 8-9 मिनट भी लगे, कई सवाल हो गए एक साथ। तो आप पहले आप करिए स्क्रीन को पॉज करके, फिर अपने इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। रेडियस गिवन है ना आपको, आर रेडियस गिवन है। हाँ भी हुआ, अभी थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले केस की, व्हेन बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप। अगर आप इस वाले केस के पे हम अगर चर्चा करेंगे, बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप पे, तो देखिए पहला स्टेप, पहले सवाल कर रहे हैं हमें निकालना किस पे, पी क्यू आर पे, पी क्यू आर पे। तो पी क्यू आर, आप पहले ये बताइए कि हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर आप यूनिफॉर्म है तो आपके पास में ऐसा आर्क है, ऐसा आर्क है, ये इसका नाम है यहाँ पे P, इसका नाम है यहाँ पे Q, और इसका नाम है कुछ R। इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ I, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है B नॉट। तो अगर ऐसा है पी क्यू आर पे निकालते, क्यों हम एंड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंड पॉइंट को ज्वाइन किया जा सकता है। तो मैंने बोला मैं पी क्यू आर को भूल गया, और पी क्यू आर की बजाय कैसे बना रहा है, ऐसे स्ट्रेट वायर बना दी, बना सकता हूँ ना, ये कितनी लेंथ की, 2R लेंथ की, इसे कितना करंट मान लिया I, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। मेरी बात समझ में आ गई? हमने ये पी क्यू आर पे निकाल रहा हूं, आर्क पी क्यू आर पे। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इस सेमी सर्कुलर आर्क को किससे, एक स्ट्रेट वायर से, एंड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो उसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, 2R बन जाएगी। अब इससे फोर्स देखिए, फोर्स कितना आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होता है, आई एल क्रॉस बी होता है। तो एल और बी में एंगल कितना है, जीरो, तो फोर्स कितना आएगा आपके पास, जीरो, फोर्स आ गया जीरो, किसके ऊपर, आर्क पी क्यू आर के ऊपर, इतना सही है, ठीक है। अगर आप इसी में फर्स्ट वाले प्रॉब्लम के अंदर अगर आप बात करें, किसके ऊपर,
अभी हम बात करते हैं आर्क पीक्यूआर, तो हो गया आर्क पीक्यू पे बात करते हैं, तो यहां पे फोर्स आ गया जीरो। अभी हम सेकंड बात करते हैं किस पे, आर्क पीक्यू पे अगर आप बात करेंगे, तो पीक्यू को अगर आप एड फोन को ज्वाइन करते, कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन किया जाएगा। तो आपने बोला सर ऐसे एक वायर बना दी हमने, ऐसे एक वायर बना, जो इस वायर पे फोर्स होगा वही इस पीक्यू आर्क पे फोर्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है बी नॉट। कितने एंगल पे ये वायर, 45 डिग्री पे, समझ में आ रहा है, ये 45 डिग्री बनेगा, ये आर तो ये वाला भी आर। अच्छा इससे करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, रूट टू आ रहा है, लेंथ कितनी है बच्चों, रूट टू आ रहा है। फोर्स की डायरेक्शन बताइए पहले, फोर्स की डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है तो इसको क्या करें, दो कंपोनेंट ब्रेक कर ले, कंपोनेंट ब्रेक करें तो ऐसे बना दिया आपने इस वायर को, ऐसे और ऐसे, क्योंकि इस वायर पे जब फोर्स निकालना था तो आप याद कीजिए पहले पहले वायर सामने कंपोनेंट ब्रेक किया था, ये लेंथ कितनी बन गई आर, और ये लेंथ कितनी बन गई आर, इस पे फोर्स लगेगा नहीं, इस पे फोर्स आएगा, किस तरफ फोर्स आएगा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाले वायर के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, आपने इस वायर की बजाय अब ऐसी वायर बना दी, एक वायर ऐसी बना दी, एक वायर ऐसी बना दी, आर आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, कितना फोर्स आएगा, दैट इज आई आर बी नॉट और इनटू द प्लेट। क्लियर है ये वाली बात, आप चाहते हो डायरेक्टली एक्सप्रेशन से कर सकते थे, एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एल की जगह आर, ये एल की जगह कितना रूट टू आर आता, रूट टू आर, बी की जगह बी, और एंगल कितना साइन 45, तो ये कट जाता साइन 45 इससे, तो अगेन आई आर बी आता, डायरेक्शन आप क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते अंदर की तरफ आ जाता। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो कंपोनेंट को ब्रेक करके कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, आपके पास ये हुआ था क्या आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले केस में क्या है आपके पास, बी इज इक्वल टू बी नॉट जे कैल, बी इज इक्वल टू बी नॉट जे कैल। अब आप क्या कीजिए, आर्क पी क्यू आर पे चेक करते हैं, आर्क पी क्यू आर पे, तो अगर आप आर्क पी क्यू आर पे चेक करेंगे तो इसको हटाए क्या बना देंगे, सिर्फ एक वायर बना देंगे, कितनी लेंथ की, टू आर लेंथ की, बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दीजिए बी नॉट। अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन देखिए पहले, फोर्स की डायरेक्शन, तो बी को आशीर्वाद दिया, बी ऊपर की तरफ है, करंट की तरफ उंगलियां करी, थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा आपके पास, फोर्स लगेगा इस तरफ, दैट इज के कैप की डायरेक्शन में, और फोर्स आया कितना, तो एफ आएगा, दैट इज आई टू आर मल्टीप्लाई बी नॉट के कैप, पहले सही है, यहां पे इंटू द प्लेन था ना, तो इसको आप क्या बोलते हैं, माइनस के कैप भी बोल सकते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस आर बी नॉट के कैप, अरे सही है इतनी बात, ठीक है। ये आर्क पी क्यू आर पे हो गया। अगर आप नेक्स्ट चर्चा करेंगे किस पे, आर्क पी क्यू पे अगर आप चर्चा करेंगे तो ऐसा कुछ बन गया आपके पास, यहां पे ऐसे वायर बना दिया आपने, उसको रिप्लेस करके पी क्यू, कितनी लेंथ की, रूट टू आर की, यहां पे ये वाला एंगल 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बी नॉट, अगेन आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, दिस इज एल, और एक ऐसा बनेगा एल, तो इस पे तो फोर्स रहेगा नहीं, सिर्फ इस पे फोर्स रहेगा, और वो फोर्स किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ, अगेन जबकि बार यहां पे फोर्स है, दैट इज आई आर बी नॉट के कैप, अरे सही है ये वाली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब इस पे आ गया, हाफ पे आ गया, तो दूसरे हाफ पे निकालेंगे तो वो आई आर बी नॉट ही आएगा, ताकि दोनों पे नेट जुड़ के इतना बन जाएगा, बिकॉज ये जो आर्क है आपके पास में, ये इन दो से मिलकर बना है ना, इन दो पार्ट से, इस वाले पार्ट में पता है, पूरे पता है, तो दूसरे वाले पे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं दोनों को सेपरेट करके, और चाहे तो आप इस पे अलग से भी एनालाइज कर सकते थे आर क्यू आर पे, क्लियर। इसमें अगर आप देखेंगे आर क्यू आर पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हुआ, तभी नेट जीरो बन रहा है आपके पास, आप इसमें चेक कर सकते हैं इस बात को, डन, ठीक है। आप इतना छाप लीजिए, फिर अपने आगे थोड़ा इसको मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे और इन दोनों डायरेक्शन की बात करेंगे। आइए अभी हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की चर्चा करते हैं, तो थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे, थर्ड पार्ट के लिए अगर आप बात करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, बी नॉट के कैप, बी नॉट के कैप, मतलब सबसे पहले आप पी क्यू आर पे बनाइए, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर को ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, पी क्यू आर को ऐसे बना दिया, कितने से रिप्लेस कर दिया, टू आर लेंथ से रिप्लेस कर दिया इसको, करंट कुछ ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ है, के कैप मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। अच्छा अब अगर आप फोर्स की बात करेंगे, फोर्स तो कैसा आ रहा है, फोर्स दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद दिया ऐसे करके, अंदर नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स, तो जो एफ आएगा आपके पास, दैट इज आई टू आर बी नीचे की तरफ, दैट इज माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, डन, ठीक है। अगर आप बात करेंगे, ये तो हुआ आर्क पी क्यू आर पे, दिस इज आर्क पी क्यू आर पे, अगर आप बात करेंगे आर्क कौन से वाले पे, आर्क पी क्यू पे, तो पी क्यू आर कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, कितनी लेंथ का, रूट टू आर का, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, बाहर की तरफ। अब आप देखिए
इस वाले केस में अगर आप चेक करें करंट ऐसे जा रहा है, अब की बार ये जो आपके डीएल और बी में एंगल है वो 90 डिग्री है, आपके कंपोनेंट जोड़नी जुटनी अब की बार उनमें एंगल 90 डिग्री है, फोर्स कैसा आएगा, बी को आशीर्वाद दिया करंट की डायरेक्शन में किया, थंब ऐसे आ रहा है, फोर्स ऐसा आएगा आपके पास ऐसे, तो आज लिखा जो इसकी वैल्यू है, आप चाहे तो कंपोनेंट ब्रेक करके कर सकते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन आई, पर अब की बार जो नेट आएगा वो ऐसा आएगा आपके पास, तो अगर आप इसको एक साथ करेंगे तो आप ऐसे बोल दीजिए जो एफ की वैल्यू आएगी दैट इज एफ इज इक्वल टू आई रूट टू आर बी, यह डायरेक्शन होगी, यह एंगल कितना 45 डिग्री, तो इसे कंपोनेंट ब्रेक कर लो, कोस 45 आई कैप माइनस आई रूट टू आर बी साइन 45 जे कैप, तो यहां से जो एफ आएगा आपके पास दैट इज आई आर बी आई कैप माइनस आई आर बी जे कैप, ये एक्सप्रेशन हो गया फोर्स का, चाहे तो आप कंपोनेंट भी तोड़ सकते थे वैसे, एक ये कंपोनेंट तोड़ लीजिए, एक ये तोड़ लीजिए, इस पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा माइनस जे में और इसकी वजह से प्लस जे प्लस आई में, इसकी वजह से माइनस जे में, इसकी वजह से प्लस आई में, इसकी वजह से माइनस जे, इसकी वजह से प्लस आई, कर पाएंगे ठीक है। अभी फोर्थ वाला ऑप्शन आपको खुद को करना है, इसमें आपको बताया तो मैं जो सबका रिजल्ट आया उसको आप जोड़ दीजिए, जो आर पी क्यू का सबका रिजल्ट है उन सबको जोड़ दीजिए, बात बन जाएगी, चाहे तो आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, पहले इसकी वजह से निकालना पड़ेगा, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो आसान रहेगा सवाल, तो हमने इन तीनों वजह से निकाल रखा है, इनको आप जोड़ेंगे तो इसकी वजह से, मतलब इन तीनों अगर आप जोड़ देंगे, इनके रिजल्ट जोड़ देंगे तो इस पूरे की वजह से आपके पास आ जाएगा, कर लीजिएगा आप इसको ठीक है। ये सवाल अच्छा सवाल है आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए, तो अच्छा है। एक और आपको करना है होमवर्क के अंदर टास्क, तीनों केस के अंदर आपको निकालना है फोर्स ऑन क्यूआर आर्क, फोर्स ऑन क्यूआर आर्क कितना आ रहा है ये आपको देखना है, और होना क्या चाहिए फोर्स ऑन पीआर, मतलब आपको ये निकाल लेंगे आप, फिर आप इस क्रॉस चेक करके देखिएगा कि फोर्स ऑन पीक्यू आर्क प्लस फोर्स ऑन क्यूआर आर्क का जो वेक्टर एडिशन है वो फोर्स ऑन पीक्यूआर आर्क आना चाहिए, मतलब इस क्वार्टर सर्कल पे, इस क्वार्टर सर्कल पे जो फोर्स का जो वेक्टर एडिशन है वो इस सेमी सर्कल पे लगने वाले फोर्स के बराबर आना चाहिए, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा ठीक है। तो ये होमवर्क है, आप क्यूआर आर्क पे निकालिएगा, फिर आप चेक कीजिए भाई इस वाले आर्क पे, इस वाले आर्क पे जो सबमिशन है वो सेमी सर्कल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक आप इस वाले प्रोसीड कर लीजिएगा, इसमें सब कर दिया, सबको जोड़ना है सिर्फ, आप वहां पे कर सकते हैं। तो अच्छा सवाल है बच्चों, ये चीज आप सीख लीजिए, पर ध्यान रखिए सिर्फ कब लगाना है, ये तभी लगाना है जब मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जहां पे करंट कैरिंग वायर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तब ऐसा सही नहीं है, फिर आपको रिजल्ट थोड़े और देखने पड़ेंगे, फिर कुछ और मतलब बेसिक से जाके फिर इंटीग्रेशन वगैरह कुछ कुछ करना पड़ेगा ठीक है बच्चों। आप छाप लीजिए फोर्स ऑन आर्बिट्री शेप का ही हम एक और सवाल करते हैं, अब की बार क्या है ना आपके पास पूरी एक करंट कैरिंग रिंग है आपके पास, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर रखा है इनटू द प्लेन है, आपसे बोला गया बताइए इस रिंग के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो कितना है, ये आपको निकाल के बताना है, आप बता सकते हैं थोड़ा सोच के और करके बताइए आप मुझे कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, हुआ भाई ठीक है बच्चों, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, अगर आप यहां पे एफ नेट निकालने जाएंगे एफ नेट जो निकल के आएगा दैट एफ नेट विल बी जीरो, एफ नेट आएगा आपके पास में जीरो, ये आपका जवाब आना चाहिए। कैसे, दो तरीके हैं आपके, मेथड वन एंड पॉइंट की जो लेंथ है एंड पॉइंट को ज्वाइन करें तो एंड पॉइंट की लेंथ कितनी बनेगी दैट इज जीरो, इसमें ऐसे कुछ करंट ऐसे जा रहा है, इसमें कुछ करंट ऐसे जा रहा है, अगर आप इसमें देखें तो इसका एंड पॉइंट कैसे ज्वाइन करेंगे, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे इस ऊपर वाले में, ऐसे करंट जा रहा है कुछ आई, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है अंदर की तरफ, तो इस वाले जो पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर वो फोर्स किस तरफ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है आपके पास आई टू आर मल्टीप्लाई बी, अरे सही है कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर ठीक है। और अगर आप इस पे देखेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर, इस वाले पार्ट पे नेट फोर्स वो किस तरफ लग रहा है आपके पास, वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ से, इस पे नीचे की तरफ, दैट इज आई टू आर मल्टीप्लाई बी,
तो इस वाले सेमी सर्कल पे ऊपर तरफ इस पर नीचे की तरफ और नेट अगर आप देखें तो एफ नेट कितना आएगा आपके पास, एफ नेट आ जाएगा जीरो। अब मुझे बताइए क्या होगा, मतलब ये जो आपके पास में रिंग है ये इलोंगेट होने की कोशिश करेगी या कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, मतलब ये क्या ये जो रिंग है वो ये इलोंगेट होगा या कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, क्या कोशिश करेगा थोड़ा देख के बता सकते हैं, मतलब हर एक छोटे से इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स किस तरफ लग रहा है बता सकते हैं, छोटे से एलिमेंट पे, यहाँ पे छोटे से एलिमेंट पकड़ देता हूँ किस तरफ लगेगा आपके पास इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो आई की तरफ फिंगर्स की अशिवत बी को दिया तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, हर एक एलिमेंट पे रेडियली आउटवर्ड एक्शन फोर्स लग रहा है, हर एक एलिमेंट पे रेडियली आउटवर्ड एक्शन फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही है बच्चों ये बात, एवरी पॉइंट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है, सब पे रेडियली आउटवर्ड लग रहा है और सब पे रेडियली आउटवर्ड लग रहा है तो सब एक दूसरे को काट दे रहे हैं और एफनेट की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरो हो जाएगी, पर टेंशन तो आएगा, टेंशन आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा टेंशन। तो आप यहां पे ये बात लिख सकते हैं कि ऑन एवरी पॉइंट ऑफ रिंग मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यार अगर आउटवर्ड डायरेक्शन एफ नेट तो जीरो हो गया पर टेंशन तो आएगा, तो क्यों ना इस सवाल में थोड़ा और चर्चा करके इसमें ये पूछा जाए फाइंड आउट टेंशन इन दिस रिंग, अगर सवाल को ये लिखा जाए फाइंड आउट टेंशन इन द रिंग, ये टेंशन कितनी है रिंग के अंदर, ये सवाल आप मुझे बताइए, सोचिएगा थोड़ा फिर अपने को डिस्कस करते हैं। मैं दो क्वेश्चन मार्क बनाने की आदत है ना, मैं बस कोई दिक्कत नहीं, एक बना दिया। अभी हुआ तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे सर ऐसे एक रिंग है यहाँ पे, ठीक है ये ऐसे एक रिंग है, इसमें टेंशन लग रहा है, वो टेंशन कहाँ पे लग रहा है, हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन है, तो हमने क्या किया इस रिंग को बीच में से काट दिया इस रिंग को, तो अगर आपने बीच में से काटा तो बिल्कुल मिड में से काटा है, सेंटर ने यहां से मिड में से काटा, तो ये नीचे वाला पार्ट इस ऊपर वाले पार्ट को किस तरफ खींच रहा होगा, नीचे की तरफ खींच रहा होगा, बिकॉज सब इनका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये सब ऊपर जाना चाहता है तो नीचे खींच रहा है, और इधर वाले को देखे तो ये ऐसे खींच रहा होगा, तो अगर आप अपर रिंग का एफबीडी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा टेंशन यहां पे लग रहा है और टेंशन यहां पे लग रहा है, क्लियर है, और मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, दैट इज एफ मैग्नेटिक की वैल्यू कितनी, दैट इज आई 2r मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू किसके बराबर है 2t, ये मैग्नेटिक फोर्स आई 2r बी मल्टीप्लाई ये किसके बराबर है 2t के बराबर, टी से टी साफ हो गया तो टी की वैल्यू कितनी आएगी आई आर बी, ये टेंशन। कुछ लोग क्या करें छोटा सा एलिमेंट कोड करते हैं फिर उसमें गणित ज्यादा लगता है मुझे, तो मुझे वो तरीका अच्छा लगता है टेंशन निकालने, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है बीच में से काट लो, वो टेंशन फिर रेडियली इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट रे करेंगे तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, फिर उसको सोल्व करो इस वर्टिकल डायरेक्शन का निकाल, ज्यादा गणित होता है, सिंपल सा बीच में से काट लो, बिल्कुल बीच में से काट लो, तो ये टेंशन नीचे 2t ऊपर ILB और ये एल की वैल्यू कितनी 2r और बी किया सोल्व किया आंसर आ गया इसमें, तो ये इससे आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं, कभी भी ऐसा सवाल है टेंशन वेंशन निकालते बीच में से काट लिया कीजिए वो आसान रहता है थोड़ा करना, ठीक है बच्चों आप इसको छाप लीजिए फिर अपने आगे बढ़ेंगे।